हेलो दोस्तों, मैं हूँ अशोक मक्रम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। आज हम आपको बताएंगे बीएड का से फर्स्ट ईयर का जो आपका CC5 है उसी का आंसर बताएंगे, और जो सब्जेक्ट का नाम है अंडर डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, और इसका पेपर नंबर है आपका 105। ठीक है, तो इसका प्रीवियस यानी 2016 का क्वेश्चन आप देख लेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया कि कब तक आप CC5 का डालिएगा, तो CC5 डाल दिए। अब इसके बाद जो आप बच रहा अभी वो भी हम धीरे धीरे के करके डाल देंगे, और 2017 का डालेंगे, और इसी के साथ साथ अभी मॉडल शीट भी हम इसका डालेंगे। और इसी का अब जितना हम क्वेश्चन डालेंगे लगभग, अगर उसी से आप तैयारी करते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि आपसे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, और ये भी हम आशा भी करते हैं कि आप लोग इसी को देखते हुए पढ़ेंगे। और जो सिस्टम में इसमें आपका क्वेश्चन दिख रहा है इसी सिस्टम में क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और 10-10 क्वेश्चन करके अगर 3-4 सेट का आप तैयारी कर लेते हैं तो इनमें से 5 क्वेश्चन आराम से आप लिख पाएंगे। और बीएड का जो कोर्स होता है वो लिखने के प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं, तो उस आप किस विधि से लिखते हैं और हैंड राइटिंग ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि नॉलेज के ऊपर। नॉलेज तो इस सब चीज़ के बारे होना ये अलग बात है, लेकिन लिखना, लिखने के कैटेगरी में लाना, उसको यही सबसे बड़ा मुद्दा बनते हैं। और उसमें अंडरलाइन करके लिखना पड़ता है, उसका हेडिंग डाल डाल के लिखना पड़ता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को फटाफट पढ़ेंगे, लेट नहीं करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन है, भाषा से आप क्या अभिप्राय है? विद्यालय पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। भाषा से आप क्या समझते हैं, यानी भाषा एक क्या है? आदमी को अपने अभिव्यक्ति, अपने अनुभूति को व्यक्त करना, या तो कोनी कोई भी चीज़ अपने अनुभूति को विनिमय करने का एक माध्यम है। तो ये भाषा है, और स्कूली विद्यालय जो पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका को स्पष्ट कर दें। दूसरा क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित की प्रकृति की व्याख्या करें। विद्यालय जो पाठ्यक्रम है उसमें गणित जो होते हैं उसकी प्रकृति का व्याख्या करने के लिए आपको कहा जा रहा है। नेक्स्ट 3 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्यालय में विज्ञान में शिक्षण में प्रतिमान परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। विद्यालय जो है उसमें आपका शिक्षण में जो प्रतिमान है उसमें परिवर्तन की व्याख्या करने को आपको कह रहा है। विद्यालय के पुनर्रोपण योजना में विषयगत ज्ञान पर जॉन डीबी के विचार की व्याख्या करें। और जॉन डीबी जो आपका मनोवैज्ञानिक है, इसका बहुत बड़ा एक ये है, जीवनी है, इसका विषय के ऊपर भी है, बहुत सारा दार्शनिक भी है, तो इसके ऊपर बहुत सारा कुछ है। वो अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट करके लिखिए, हम आपको जॉन डीबी के बारे में पूरा बता देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, गणित और सामाजिक विज्ञान में व्यावहारिक ज्ञान के उपयोग की व्याख्या कीजिए। और गणित सामाजिक विज्ञान में व्यावहारिक ज्ञान का उपयोग को बताने को कह रहा है। पाठ्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है? पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्य निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत हैं उनके विवेचना को ले कह रहे हैं आपको। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में अवधि विषयगत क्षेत्रों के बदलाव में सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ की व्याख्या करें। और विद्यालय के जो अवधि है, जो टाइम टेबल है, या विषयगत क्षेत्रों में जो बदलाव किया जाता है सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ, उसकी व्याख्या के लिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन यदि आपको लेना है, या तो आपको तो यूट्यूब के माध्यम में पिक नहीं जाएगा, तो मेरा जो चैनल ये है आपका ये फेसबुक पेज है, उसमें हम पहले ही डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम भी यही इसी चैनल के नाम से ही है, डिजिटल ए टू जेड चैनल, इसी नाम से फेसबुक में पेज है, वो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। स्वाभाविक विलक्षणताओं और विषयों के अध्ययन विषयों विधियों से आप क्या समझते हैं? जॉन डीबी के विचार पर आधारित शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। हम पहले भी बताए जो जॉन डीबी का एक बहुत बड़ा इतिहास भी है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यहाँ शॉर्ट नोट दिया गया है, और इसी में से किसी दो को आपको लिखना है। गणित के पाठ्यक्रम संगठन का एकीकरण उपगम, गणित के जो पाठ्यक्रम है उसका संगठन का एकीकरण उपगम। विद्यालय पाठ्यक्रम में विज्ञान की प्रकृति, विद्यालय जो पाठ्यक्रम है उसमें विज्ञान की क्या प्रकृति है? उसके बाद है शिक्षण अधिगम अभिप्राय, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक के अनुभव का प्रभाव। शिक्षण का जो अधिगम है यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक का क्या अनुभव है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान की सार्थकता, विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है उसके सामाजिक जो विज्ञान है उसकी सार्थकता क्या है, इसी के बारे में आपको बताया जा रहा है।
तो ये हो गया आपका CC5 का क्वेश्चन 2016 का। अब हम 2017 का डालेंगे और इसी के साथ साथ मॉडल सेट भी डालेंगे, और फर्स्ट ईयर तो हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड ईयर का भी डालते रहेंगे। और सेकेंड ईयर का इस बार हम जितना हो सके आपके एग्ज़ाम आने तक हम हेल्प करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और 9-10 वाला जो स्टूडेंट है, 11-12, उनको भी तो दिए, मतलब उनका परीक्षा के लिए तो हम दिए भी थे, और बहुत अच्छा हम मेरा नोट्स आया था। और उम्मीद भी करेंगे कि आप लोग अगर ट्यूशन कोई पढ़ाते हैं, जो लोग बीएड में पढ़ते हैं अक्सर ट्यूशन पढ़ाते हैं, अगर उन लोग पढ़ाते हैं तो इस चैनल से उसको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। और 2019 में जहाँ तक हो सके हम इंटरमीडिएट में साइंस बैकग्राउंड से, यानी साइंस ग्रुप का और 9-10 का पूरा इसमें सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में ही तक, आप लोग को जो लोग वीडियो देखें उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे, और साथ ही साथ दूसरे फ्रेंड तक इसको पहुँचाने के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे। क्योंकि देखिए, एक चीज़ क्या होता है, जब आपको कुछ चीज़ मिलता है, आपको अच्छा लगता है, अगर वो दूसरों को आप सेंड करते हैं तो उसको भी अगर कोई चीज़ मिलेगा तो वो भी आपको सेंड करेगा, ये होता ही है नॉर्मल रूप से। तो इसलिए आप ज़रूर आपके फ्रेंड को सेंड करेंगे। थैंक यू।